चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, अभी जो आपका गाना हिट हुआ है राजा तने जाई ना भरिया, जिसमें आपने मॉडल के रूप में काम किया है, बहुत बड़ा हिट हुआ है इस गाना और हर जगह ऑर्केस्ट्रा से लेकर हर जगह सुनिए तो यही गाना बज रहा है बच्चे बच्चे के फ़ोन में, उस गाने के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये गाने के बारे में, इन गाने तो राकेश मिश्रा जी का गाना है और ये कोरोना के जब बहुत बड़ा संकट हम लोगों के, अभी तो कैजुअल हो गया है, हम लोग प्रिकॉशन लेके सब चीज कर रहे हैं, बट उस टाइम हम लोग बहुत सेफ्टी के साथ ये गाना पूरा एक दिन में, वन डे वन नाइट मिला के ये गाना हम लोग ने शूट किया और हम लोग ने जितना मेहनत किया, जो सोचे थे कि बहुत ज़्यादा व्यूअर्स आना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यार आशीर्वाद से भी ज़्यादा ये जो लोग सुन रहा है, इसका जो बज रहा है ना रोड पे, अभी भी मैं आ रही थी तो यही गाना बज रहा था, तो मुझे बहुत खुशी मिलता है। और हमने इस गाने के लिए बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत किया, तो मेहनत का फल मिला तो इससे ज़्यादा खुशी तो कुछ हो ही नहीं सकता। मेहनत का फल मीठा होता है, वो मैंने सुना था, आज देखा भी है, पहली बार आपके मुँह से सुना। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, भोजपुरी इंडस्ट्री लाइन में आपने कब से एंट्री किया? भोजपुरी इंडस्ट्री लाइन आज 2 साल होने वाला है। मेरा फर्स्ट गाना पवन जी के एल्बम से था, जो होली में हिट हुआ था, फलाना वो धरेलू होलिया में, वो मेरा फर्स्ट काम है। और उसके बाद तो मैंने सोचा भी नहीं था कि भोजपुरी में काम करूँगी, एक्चुअली मैं बंगाली इंडस्ट्री में काम करती थी। और उसके बाद एक के बाद एक ऑफर मिलता गया और भोजपुरी का दर्शक मुझे इतना प्यार कर देगा, प्यार मिल जाएगा, मुझे ये नहीं मुझे पता था, तो प्यार मिल गया तो यहाँ से अब पीछा छुड़ाने का मन नहीं करता। मैं आप ही के मुँह से सुना हूँ कि मैं इस लाइन में अगर हूँ तो पवन जी के वजह से हूँ, लेकिन अभी दर्शकों के अनुसार ये लग रहा है इस गाने को लेकर के कि आप इस लाइन में हैं, अगर सबसे बड़ी हिट हुई है तो राकेश जी के वजह से, इस विषय में आप क्या बोलेंगी? देखिए विषय तो कुछ नहीं है, ऑब्वियसली राकेश जी भी मेहनत किए हैं, हम लोगों ने भी मेहनत किया और ऑब्वियसली वो एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। और ये गाना जो होता है ना कि मेहनत करते हैं तो उसका सब्र का फल मीठा होता है, तो हम लोग सब्र किया, ये गाना में वर्क किया। जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो लिखते हैं तो पता चलता है मन मन कि हाँ हम इतना अच्छा लिखे, इतना मार्क्स मिलना चाहिए, तो वही मिला है। और ऑब्वियसली इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ पवन जी के बारे में, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री में आना ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था, मुझे भोजपुरी में अगर बोला गया कि तुम आओ तुम कुछ कर सकते हो और तुम्हारे अंदर वो चीज़ है, तो इस चीज़ को जताने वाला तो पवन जी ही है, ये नो डाउट, ये कहीं भी हूँ कभी भी हूँ तो ये मुझे मानना पड़ेगा। अभी आपको भोजपुरी के लोग बहुत ज़्यादा प्यार दुलार दे रहे हैं, अभी आपको देख रहे हैं एल्बम में, दर्शकों का कहना है, हम जो वीडियो डाले थे उसमें कमेंट में भी आया कि मधु जी पिक्चर कब से करने वाली हैं? एकदम, मेरे दर्शकों का अगर प्यार रहेगा, मेरा फैंस लोगों का प्यार रहेगा, मेरा गार्जियन का आशीर्वाद और आप सब लोगों का आशीर्वाद रहेगा, माता रानी का दुआ रहेगा, तो बहुत जल्द कर लूँगी। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग फिल्म से जुड़ने के लिए और आपने कीमती समय अपना दिया।